गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग मैथ की दुनिया की एक बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो बैंकिंग और कम्पिटेटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके हेल्प से कैलकुलेशन हम लोग बहुत ईजिली चेक कर सकेंगे, वो मल्टीप्लीकेशन हो, डिविजन हो, या एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो, ईजिली बिना कैलकुलेट किए हुए चेक कर सकते हैं। कि कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन है, स्क्वायर है, क्यूब है, मल्टीप्लीकेशन है, या फिर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसको बिना कैलकुलेट किया हुआ, बिना मल्टीप्लाई किए कैसे चुटकी में चंद सेकंड में हम इसको कर सकेंगे। इसके लिए हम लोग डिजिट के साथ खेलेंगे कि डिजिट कैसे घूमता है, कैसे ये रोटेट करता है, डिजिट के क्या क्या यूज हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को आज पढ़ेंगे। इसी को एक नया टॉपिक का नाम दिया है हम लोगों ने, उसको कहते हैं डीएस, या शॉर्ट में डीएस है, फुल फॉर्म डिजिट सम। क्या पढ़ना है हम लोगों को? डिजिट सम पढ़ना है। नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिट का सम पढ़ना है। डिजिट का सम कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए 25 दिया हुआ है या फिर 37 दिया हुआ है, इसमें डिजिट सम करना है हम लोग को। डिजिट सम कहने का मतलब है ये जो नंबर 25 है ना, इसमें दो डिजिट है, 2 और 5, इन दोनों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो एक सिंगल डिजिट में जो नंबर्स आएंगे ना, देखिए एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको बहुत ही रेयरली कहीं पढ़ाया हुआ मिलेगा, मिलेगा भी तो टोटल डीप पे नहीं मिलेगा। हम लोगों ने इस पे बहुत ही वर्क किया है और फिर ऐसे रिजल्ट निकाल के सामने आप लोगों के लाए हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, फिर से बताते हैं। 25 है, इसके डिजिट का सम करना है, इसका मतलब इसमें 2 डिजिट है, 2 और 5, इन दोनों को ऐड करके ऐड किया तो हम लोगों ने एक सिंगल डिजिट में फाइंड हुआ, यही इसका क्या कहलाता है? डिजिट सम, यानी कि डीएस कहलाता है। इसका मतलब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 + 3 = 4, ऐसे लिख देते हैं, 1 + 3 + 7, 1 + 3 + 7 क्या होगा रिजल्ट हमारा? 11। तो ये 11 हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने सम किया तो 7 आया, यहाँ हम लोगों ने सम किया तो 11 आया। लेकिन क्या दोनों सही है? ये सही है और ये भी सही हो जाएगा, लेकिन समझिए कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि इसको तब तक ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट में नहीं है। यहाँ हम लोगों ने ऐड किया तो सिंगल मिल गया ना, यही रुक जाना है। यहाँ ऐड किया तो 2 डिजिट मिला, फिर इस 2 डिजिट को फिर से ऐड करना है और तब तक ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर्स का डिजिट क्या होता है? तो एक सिंगल डिजिट होता है। एकदम ध्यान से समझना है, किसी भी नंबर का डीएस एक सिंगल डिजिट होता है, एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट होता है, यानी तब तक ऐड करना है जब तक आपको एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता है। सिंपल है एकदम। हम लोग कहेंगे अगर 2, 3, 5 है हमारा, इसको ऐड करना है तो 2 + 3 + 5 करेंगे, रिजल्ट कितना हो जाएगी हमारी? 10 हो जाएगी। फिर से ऐड करेंगे, 10 में हम लोग फिर से 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? 1 आ जाएगा, यानी हम कहेंगे कि 235 का डीएस क्या है हमारा? डीएस क्या? एकदम डिफरेंट चीज पढ़ा रहे हैं, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर नहीं है, ये कोई आंसर नहीं निकाल रहा, ये एक डीएस निकाल रहा है, एक नया तरीका आपका मैथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो एकदम डिफरेंट टाइप का होगा। इसको कहेंगे डीएस, ये डीएस है हमारा। तो हम कहेंगे डीएस का डिफिनेशन क्या कहेंगे? ए सिंगल डिजिट ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ ऑल डिजिट इन ए नंबर इज नोन एज डीएस। समझ में आया? यानी कि तब तक ऐड कीजिए जब तक आपको एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता है, जब आप सिंगल डिजिट फाइंड कर लेंगे वही उस नंबर्स का क्या कहलाएगा? तो डीएस कहलाएगा। स्पष्ट है एकदम? चलिए हम कह दें 2, 3, 1, इसका डीएस बताइए तो क्या कहेंगे हम लोग? 1 + 2, 3, 3 + 3, 6 हो जाएगा। वेरी गुड, इसका डीएस हो जाएगा 123 का डीएस क्या हो जाएगी हमारी? तो 6 हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, डीएस का हम लोग एक दूसरा मीनिंग भी हम लोग समझेंगे। डीएस का एक दूसरा मतलब क्या होता है कि 9 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वही डीएस कहलाती है। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 35 है, मान लीजिए क्या है हमारा? 35। डीएस पूछेंगे तो कितना कहिएगा? 8 कह दीजिए, 3 + 5 = 8। दूसरे लैंग्वेज में हमने कहा इसको कि 9 से भाग दीजिए, जो शेष बचता है 9 चौका 36, यानी 9 तिरका 27,
कितना मत में गया, सात, कितना बच गया हमारा, आठ, यानी जो डीएस रिमाइंडर बचा यही उसका डीएस है। आपको यहां लग रहा है, हमें चेक कर लेते हैं, 123 में हम लोगों ने कितना से डिवाइड करना है, 9 से, 9 बन जा 9, बच गया 3, 3, 9 3 जा 27, बच कितना गया हमारा, तो 6 बच गया। हम कह सकते हैं 6 बच गया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 123 का डीएस कितना है, 6, यानी हमारा एक दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि जब 9 से हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही उसका क्या कहलाता है, तो डीएस कहलाता है। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, नहीं समझ में आएगा, हम लोग 9 से डिवाइड कर करके नहीं देखेंगे, हम इसका बस एक थोड़ा सा मतलब समझा रहे हैं आप लोगों को। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर के डिजिट को ऐड करना है। एक नंबर का डिजिट हम कह दें 2, 4, 3, 5 दे दिया जाए, इसका हम डिजिट सम पूछे कितना होगा, कितना हो जाएगा, 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 5 = 14, तो 14 इसका नहीं हो जाएगा डीएस, डीएस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डीएस कितना हो जाएगा इसका, 5, यानी तब तक ऐड करना है जो आता है टू डिजिट में, फिर से ऐड कर दीजिए, तब तक ऐड कीजिए जब तक क्या हो जाए हमारा, जब तक हम लोगों का सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता है तब तक इसको ऐड करना है। सिंगल डिजिट नंबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्टेन बाय द एडिंग ऑफ डिजिट इज नोन एज डीएस, यही डीएस होगा, हम कह सकते हैं यही डीएस है, यही डीएस हम कह सकते हैं कि हमारा 2435 का जो डीएस है वो कितना है, वह है हमारा 5। डीएस समझ में आ गया। अब हम कुछ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन की केस को समझेंगे कि क्या है नहीं है, आइए हम लोग कुछ देखते हैं। अब हम समझते हैं पहले कि डीएस जो है वो क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबल है कि डीएस क्या क्या आ सकता है। तो देखिए डीएस मेरा हो सकता है कि 101, इसको अगर डीएस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर हम कहें 200 इसका डीएस निकालेगा तो 2 आ जाएगा, 201 इसका डीएस निकालेंगे 3 आ जाएगा, 301 इसका डीएस निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, 100121 इसका डीएस निकालेगा कितना डीएस आ जाएगा हमारा, 5 डीएस आ जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि क्या क्या डीएस हो सकता है, 201221 इसका डीएस कहेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 106 इसका डीएस 7 0 8 0 1 0, अगर हम लोग 800 ले लें इसका डीएस कितना, तो 8 हो जाएगा, यानी कि हम लोग 167 162 कर दें तो इसका डीएस 9 हो जाएगा, यानी इन सारे का डीएस कितने हो सकते हैं, यानी डीएस की पॉसिबिलिटी हमारा 1 भी है, डीएस की पॉसिबिलिटी 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। अरे क्या 10 हो सकता है डीएस, नहीं, क्योंकि फिर ऐड कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा ना, यानी कि हमारा 1 से लेकर के 9 तक पॉसिबल है। अब हम लोग सोच सकते हैं कि डिजिट तो 10 होता है, 0 भी एक डिजिट है, तो क्या एडिशन में 0 नहीं आती है क्या, एकदम बताएंगे हम, चिंता नहीं कीजिए, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी देखा कि डीएस की जो पॉसिबिलिटी है, डीएस 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ डीएस जितने भी डिजिट है हमारे पास 0 to 9 वो सारे पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, 0 भी पॉसिबल है ना, वो 0 का केस हम दिखाएंगे कि 0 क्या है, आइए देख ही लेते हैं अभी हम, चलिए ये समझ गए, आगे देखते हैं। आगे एक चीज देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम कह दें कि 0 में अगर आप 9 में अगर आप 0 ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट कितनी आ जाएगी, 9 ही आ जाता है, नहीं, अगर 9 में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट 10 हो जाता है, ये डीएस कहलाएगा, और हम कह सकते हैं कि ये भी डीएस ही है, हम डीएस ही जोड़ रहे हैं, यानी ऐसी संख्याओं निकाल करके जोड़ रहे हैं 9 में जिसका डीएस 0 है, 0 तो अभी नहीं मिला है, 0 को छोड़ दीजिए, चलिए कोई बात नहीं,
हम लोग जीरो समझेंगे कि क्या हो रहा है पहले। हम कह सकते हैं कि 9 में अगर 1 जोड़ दें तो रिजल्ट कितना आता है 10। फिर इस 10 को जोड़ दीजिए, क्योंकि डीएस जब निकालते हैं तो 1 डिजिट में होना चाहिए ना। हमने पढ़ा कि सिंगल डिजिट ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशन ऑफ ऑल नंबर इन इज नोन एज व्हाट डीएस, यानी कि सभी नंबर्स के डिजिट का समेशन ही एडिशन ही सिंगल डिजिट में जो फाइंड होता है वो डीएस कहलाता है। तो 9 प्लस 1 क्या होगा 10, जिसका डीएस कितना कहलाएगा 1 कहलाएगा। अगर 9 में हम 2 जोड़ दें तो रिजल्ट कितनी हो जाएगी 11। डीएस कह सकते हैं 1 प्लस 1 2। 9 में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें तो 12 हो जाएगा, डीएस मेरा 3 हो जाएगा। 9 में अगर हम लोग क्या ऐड कर दें 4, तो रिजल्ट कितना होता है 13, डीएस मेरा 4 हो जाएगी, डीएस मेरा 4 हो जाएगा। 9 प्लस अगर 5 कर दीजिएगा 14 होगा, डीएस मेरा 5 हो जाएगा। समझ गए, 9 प्लस 6 कीजिएगा तो डीएस कितना हो जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू 6। चलिए 9 प्लस अगर 7 करते हैं तो डीएस कितना होगा हमारा 16 से 7 आ जाएगी हमारी। इसी तरह से अगर हम लोग 9 प्लस 8 कर देते हैं तो 17 का मतलब डीएस 8, 9 प्लस 9 कर दीजिएगा 18 का मतलब डीएस 9, डीएस मेरा कितना हो गया 9। इसका क्या मतलब है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर 9 में 1 जोड़ रहे हैं ना तो इसका जो ये वाला जो नंबर है ना उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। यानी अगर किसी संख्या का डीएस 1 है, ध्यान से समझेंगे, डीएस 1 है उसमें 9 जोड़िए या फिर नहीं जोड़िए डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ 9 जोड़ रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं डाला, यहाँ भी नहीं, 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 यहाँ भी नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में 9 को हम लोग यहाँ 0 मान सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना, हम लोग कह सकते हैं 9 प्लस 2 तो डीएस 2, 9 हटा दीजिए 0 मान लीजिए। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन के केस में 9 को हम लोग 0 मान सकते हैं। 9 जो है वो 0 के बराबर है, इसीलिए हमने कहा था कि 0 भी यहाँ यूज होगा, यानी 0 आज भी लोग समझ रहे हैं 0 एक तरह का 9 है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन एक तरह का क्या है ना, आगे डिविजन भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग नीचे में 9 आ जाएगा तो आप कहेगा 0 लगा देंगे, इसलिए नहीं बोल रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम 9 को क्या ट्रीट करेंगे 0, 0 को क्या ट्रीट करेंगे 9, स्पष्ट है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए हम लोग उस समय देखे थे 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 3, कुछ भी ले लीजिए 5, 3, इसका डीएस निकालना है। ध्यान से देखिए, हमने क्या क्या था, 2 प्लस 4, 6, 6 प्लस 5, 11, 11 प्लस 3, 14, 14, फिर डीएस कितना हो गया 5, नहीं, फिर इसको ऐड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, यानी हम कहेंगे इस पूरे नंबर्स का डीएस 5 है। इतना ऐड करने की जरूरत नहीं है, देखिए कैसे, 5 प्लस 4, 9, कैंसिल कर दीजिए, 3 प्लस 2, वी कैन से दैट ओनली 5, नहीं, सिंपल, या ऐसे भी कर सकते थे 2 प्लस 4, 6, 6 प्लस 5, 11, 11 को फिर जोड़ लीजिए 2, 2 प्लस 3, 5, यानी जैसे भी आप करना चाहते हैं, जिस तरह से इस नंबर के साथ खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। 9 को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, 9 कैन बी कैंसिल इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 9 एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कैंसिल हो सकता है, वो 0 के बराबर है, इसलिए हम लोगों का डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम लोगों ने यहाँ एक नया रूल सीखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में 9 कैन बी ट्रीटेड एज ए 0, 9 को हम लोगों को 0 की तरह ट्रीट करना है, 0 समझ लेना है, उसको ऐड करके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपली कैंसिल कर देना है। क्या कर देना है हम लोगों को, कैंसिल करते हुए आगे बढ़ जाना है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं कि क्या होती है। अगर हम कहें कि 9 × 1 करते हैं तो कितना आता है 9 आता है, वेरी गुड। 9 × 2 कीजिएगा,
चलिए, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या देखा कि 9 में अगर 1 से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट 9 आ रही है, 9 में 2 से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जब तब डीएस निकाल रहे हैं तब भी 9 आ रही है, यानी 9 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसका डीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इन सारे डीएस वाले नंबर से अगर 9 से प्रोडक्ट हो तो हम कह सकते हैं कि डीएस निकालने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके 9 का मल्टीपल कुछ भी हो, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि 9 का मल्टीपल कुछ भी हो, डीएस क्या हो जाएगा हमारा 9 होगा। आइए हम देखते हैं, अगर हम कहें 9 × 342 डीएस कितना होगा, आंख बंद करके कह देना है कुछ भी नहीं होगा 9 के अलावा, यानी सिर्फ और सिर्फ 9 होगा। चलिए हम चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7 × 7 = 9, यानी 9 × 9 = 81 हुआ ना, 81 आया ना, फिर 9 आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी हो, यहाँ 9 नहीं भी होता 3 रहता हमारा, तो कितना हो जाता है 10 का मतलब कितना होता हमारा 1 भी 9, कुछ भी यहाँ डीएस क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 9 में प्रोडक्ट कर रहे हैं डीएस क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 1 पॉसिबल है, 2 है, या तो 3 है, या 4, 5, 6, इसी में से कुछ भी तो ना आएगा ना, अगर कुछ भी आएगी कोई कहेगा नहीं 0 से ही प्रोडक्ट कर दीजिए 0 से, 0 आ गया 0 को भी तो 9 ही कहते हैं हम लोग, क्योंकि हमने देखा था कि जहां 0 लिखा हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में उसको 9 मान लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में नहीं यूज करेंगे। चलिए, इसका क्या मतलब है कि 9 से कुछ भी, यानी कि कोई भी 1 से लेके 9 तक का डीएस से प्रोडक्ट कर दिया जाए, रिजल्ट ऑलवेज वी गेट 9, हमेशा और हमेशा क्या आएगा हमारा 9 ही आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा क्या आता है तो 9 आता है, यानी समझ गए। डिवीजन का केस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा रूल देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगे। आइए एक और हम लोग रूल